आज मैं महोदा महाविद्यालय महोदा आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने मुझे बुलाया था। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी राय। यह महाविद्यालय 6 दिसंबर 1982 को स्थापित हुई थी और यह जो है डिग्री का जो पढ़ाई था यहाँ पे सन 2007 दिसंबर तक चला। इसके बाद विनोबा यूनिवर्सिटी से डिग्री की मान्यता समाप्त हो गई थी। सन 2008 से लेकर के आज तक यहाँ डिग्री की पढ़ाई नहीं हो रही है, जिसके कारण इस महोदा क्षेत्र जो है सुदूर ग्रामीण इलाका है और यहाँ से धनबाद पीके राय आदि जो कॉलेज है यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, चास बोकारो करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, अधिकतर बीपीएल परिवार के बच्चे इस महाविद्यालय में पढ़ते थे, उतना दूर जा कर के एजुकेशन प्राप्त करना संभव नहीं है, चूँकि यातायात की सुविधा भी उन बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। तमाम बच्चे बच्चियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए धनबाद जाया करते थे। इसी दरमियान भाड़ी का एक नौजवान कॉलेज जाने के क्रम में लाल बंगला में बस पे चढ़ने के क्रम में वो गिर गया, जिस पे बस का चक्का चढ़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना निश्चित रूप से क्षेत्र के सभी अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया, जिसके वजह से इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी दिक्कतें आई। यहाँ पर जो है महिला या हमारी जो छात्राएं हैं वो दूर दराज नहीं जा सकती हैं, तो इस कठिनाई को दूर करना होगा। इसके लिए मुख्य रूप से ज़मीन की समस्या थी। ज़मीन वर्तमान में 5 एकड़ चाहिए, जो पॉसिबल नहीं था, जो वर्तमान में वह स्थिति नहीं था, लेकिन प्रयास करने के बाद यह सुविधा बन रही है। अब ज़मीन की समस्या जो थी उससे हम लोग निजात पा रहे हैं और काम आसानी से हो सकता है। ज़मीन के साथ साथ भवन की भी आवश्यकता है, जहां पर कक्षाएँ सुचारू रूप से चल सकें, लेकिन वह वर्तमान में तो नहीं है। कुछ हम लोग व्यवस्था करके इस रूम में उसको चलाते हैं और विधायक से बातें हुई है, वह हो सकता है 6 कमरे का निर्माण करवाए। इस सरकार के द्वारा ये बहुत वर्षों से ये विद्यालय महोदा कॉलेज चल रहा है और ये सच्चाई है कि आज बहुत से गरीब सामान्य वर्ग के लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, मगर महोदा विद्यालय तो महोदा यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छा है और यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से क्वालिफाइड करते हैं। और हमें लगता है कि इस विद्यालय के प्रति पूर्व में बहुत लोगों के यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे होंगे, उन लोगों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, मगर जब से हम इस क्षेत्र के विधायक बने तब से लगातार इस विद्यालय के प्रति हम लोग चिंतन मंथन करते हुए इस विद्यालय को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, नया यूनिवर्सिटी BBMKU से भी हम लोगों ने बातचीत किया है, आवेदन भी दिया है, वहाँ से निरीक्षण के लिए तिथि भी निर्धारित होने वाली है। निरीक्षण के पश्चात आश्वासन मिला है जो यहाँ पे डिग्री स्थापित की जाएगी, पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। मेरे घर से महोदा महाविद्यालय काफ़ी नज़दीक में है, परंतु यहाँ डिग्री की पढ़ाई नहीं होने के कारण मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। मैं इस वीडियो को शिक्षा अधिकारी तक ज़रूर पहुँचाऊँगी और सोशल मीडिया में भी इसे शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महोदा महाविद्यालय महोदा में डिग्री कॉलेज जल्द से जल्द स्थापित हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं हलीमा इजाज़ महोदा धनबाद झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।